तो नुआ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव पर सजी होती भुवनेश्वर जनता मैदान आसंता दस शपथ ग्रहण करपारतीशार नुआ मुख्यमंत्री एथपाय जनता मैदान में प्रस्तुति को जोरदार कर प्रशासन मुख्य मंच सहित तीस हजार अधिक लोकों पर व्यवस्था जनता मैदान को सफासुतरा सहित मंच प्रस्तुति चली पूर्त विभाग अधिकारी कामर तदारख करुंच पार्किंग व्यवस्था ठार् आरंभ कर जावास सहित बसवार शपथ ग्रहण उत्सव में प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री गृहमंत्री सहित बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री निरंजन नायक आम प्रतिनिधि जनता मैदान सीधा साल काम सहित जोड़ी होती कि स्थिति रही कौन आयोजन करा प्रियरंजन कौन अपडेट निश्चित देखो राज्य में बीजेपी सरकार से नुआ मुख्यमंत्री एठ शपथ ग्रहण करेंगे मुझे जनता मैदान में तेज जनता मैदान दृश्य गोटे निरा देखा मिली जी गोटे नूतन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव पूर्व सफा सुतरा हो सारी गोटे प्रस्तुत चलती जमती कि ट्रेन्टर आरंभ होगा सहित क्यों क्यों सीटिंग आरेजमेंट रही क्योंठी पार्किंग रोटी मीडिया लाउंज रोटी भि आई पी आसपे क्यों क्यों अतिथि मान रही है से सबको नहीं गोटे प्रकार ब्लूप्रिंट प्रस्तुत हो सारी जनता मैदान में समस्त जो वरिष्ठ नेता माने गोटे आलोचना करुछंती जेठी की शपथ उत्सव रे पाखापाखी बहु संख्या रे लोकंकर आगमन होइबो सेतिपाई गोटे उत्सव मुखर हबो एठी भुवनेश्वर जनता मैदान रे एवं नवनिर्वाचित विधायक मानकर जो एठी शपथ उत्सव तांकर समर्थक माने आसिबे सेतिपाई केउ दिगपटे आसिबे केउ दिगपटे जिबे ए समस्त प्रकार गोटे प्रस्तुत शेष पर्याय पहुंचिछि एवं देखिबे जे वर्तमान ए जो दृश्य जे गोटे प्रकार इटी जो लागिछन्ति श्रमिक माने तांकर टेंट को संपूर्ण भाव तैयारी करिया को लागिछन्ति एवं एठी बुलडोजर सहित समस्त प्रकार सफा सुतरा आरंभ करछि जनता मैदान गोटे प्रकार भरपूर हो सारी केमिति एठी गोटे उत्सव मुखर अधिक हबो एवं आम सहित अच्छा अधिक आलोचना पई सर विशेष करी सर केते संख्या रे एठी अतिथि माने आसीबे अतिथि ये देखु दीर्घ दिन ओडिया लोकंर आशा आकांक्षार महोत्सव तेणु ये प्रकार जो महोत्सव होते संख्यार लोक आसवे एवं आकलन करहनी कितु एथेरे आदरणीय प्रधानमंत्री रे कथा खबर आम पाखे अच्छी आम आशा करूँ ये ओडिशा लोकंर कार्यक्रम यह ऐतिहासिक कार्यक्रम लोक के आसवे आज आकलन करहनी तेनाली प्रथम थर कर ये खोला मैदान रे जनता मैदान रे हूँ जनता साधारण जनता तेणु आशा करूँ निश्चित भाव में ये लोकों महोत्सव लोक मन को छुईला भाई कार्यक्रम हो जो मोदी ग्यारंटी कथा कही यशस्वी प्रधानमंत्री कहीकि जाते निमंत्रण करशार लोक सभा समिति मध्यम से मु निश्चय आसवि आपण मैंने दस तारीख दिन ये शपथ ग्रहण उत्सव हम मुझे पहुँची तेनालीशार लोके अपेक्षा करवर प्रधानमंत्री को देखा करें देखा आ गोटे देखा जाए प्रस्तुत पूरा शेष पर्याय पहुँची बहुत संख्यार भिड़ हम ए समर्थक मैंने आसवे सर केमी कंट्रोल करेंगे कारण बहुत समर्थक उत्साह रही गोटे नूतन सरकार एवं नुआ मुख्यमंत्री को देखिए तेणु मुख्यमंत्री सर बर्तमान पर्यटन कौन सी प्रकार है तेणु कौन सर कहे बर्तमान आगे देखो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल कारण तार निर्दिष्ट समय निष्पत्ति जहाँ हवा कथा ही चलो कथा हूँ लोक मैंने आसवे केमी कौन करेंगे लोक मैंने निश्चित भाव शांति श्रृंखलार सहित रोम एक आपण चैनल जरिया आश्योर्ड करने चाहूँगी जो निश्चित भाव ओडिशार लोके ये कार्यक्रम टी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भाव देखुं ऐतिहासिक कार्यक्रम भाव उपभोग करेंगे ये काम आसंता दस तारिख में ये कार्यक्रम हम आसंता जून दस तारीख में ये उत्सव रहा जेहेतु गोटे नूतन मुख्यमंत्री शपथ सहित ये नवनिर्वाचित विधायक समर्थन रही समस्त देखिए वरिष्ठ नेता मैंने गोटे प्रस्तुत शेष रही जेहेतु ये
ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ତେଣୁକରି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, କାରଣ ଭିଭିଆଇପି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏଠି ଶପଥ ନେବେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ପାର୍ଟକୁ, ତେବେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପାର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ପିଜି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଏସ୍ପିଜି ଗସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏଠି ଏସ୍ପିଜିଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏରିଆଟିକୁ କଡ଼ନ ରହିବ ଏବଂ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜନତା ମଇଦାନର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏସ୍ପିଜି ଟିମ୍ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି, କାରଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ, ଏ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଠି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଉତ୍ସବକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରିବ, ଯଦିଓ ଏତିକି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି 30,000 ଅଧିକ ସେଠି ଅତିଥି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ ଭବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱମାନେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ଜନତା ମଇଦାନରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ସହିତ ରଖୁଥିଲେ।